इसमें हम आपको शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में बता रहे थे। वैसे हमने आपको जो बताया है शब्द निर्माण के अंतर्गत तीन आते हैं, तीनों के द्वारा ही शब्द निर्माण किए जाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। इसमें समास एवं संधि उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास एवं संधि के द्वारा, ये हमने आपको बताया। और इसमें सबसे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि उपसर्ग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला संस्कृत, इसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत उपसर्ग दूसरा होता है हिंदी उपसर्ग, तीसरा विदेशन या आगत, विदेशन आगत। ये मुख्यतः उपसर्ग मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक संस्कृत, जिसे हम तत्सम कहते हैं, उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग। हिंदी, जिसे हम तद्भव कहते हैं, हिंदी उपसर्ग, जिसे विदेशज या आगत अर्थात बाहर से आए हुए। ये हमारे संस्कृत से आए हुए हैं, ये हिंदी में हैं और ये विदेशों से इधर उधर से कुछ शब्द इधर उधर से आए, उपसर्ग आए, आदत माने आए, आने वाले जो इधर उधर से आए वह उपसर्ग। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीन प्रकार के उपसर्ग आते हैं। मुख्य रूप से ये उपसर्ग बनते हैं, इनके विषय में ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें संस्कृत हमने बता दिया कि तीन प्रकार से, मुख्य रूप से तीन प्रकार माने जाते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, विदेशज या आगत उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और विदेशज या आगत। ये हमारे हुए उपसर्ग। अब हम इनके विषय में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इनके शब्द संस्कृत हिंदी उपसर्ग, जैसे अति कोमल, अति शब्द है,
अति, अति से हमें कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त। दूसरा अति कोमल, अति कोमल। और इसी ही प्रकार से इसमें ये अन्य भी हैं जो निकट, कोई भी आप ले लीजिए, बुरा, आप, अपकार, अन, अनु, अनु का ले लीजिए आप, अनुभव, अनुभव, अनु भाव, अनु अनुभव, अनुशासन, तो इस प्रकार से ये हमारे अनु का हुआ। इसी प्रकार से और भी हैं अन्य, जैसे कुकर या दुर, निर, निरपराध। निर शब्द से यदि हम लेते हैं तो ये सारे के सारे अलग अलग उपसर्ग हैं। इसमें अलग अलग सभी उपसर्ग यहाँ पर आए हुए हैं और हम विशेष रूप से इनको एक शब्द निर्माण के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें इसी ही प्रकार से विदेशक से आए हुए जो उपसर्ग हैं वो उर्दू, अरबी, फारसी, इनकी भी कुछ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। इन एग्जाम्पलों के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बाहर से आए हुए हैं और बाहर से विदेशन, जिन्हें विदेशन कहा जाता है। विदेशन उर्दू या अरबी फारसी, फारसी उपसर्ग। ये हमारे विदेशक उर्दू या अरबी फारसी, ये विदेशों से आए हुए। इसमें जैसे एक शब्द हमारा है, जैसे मानते हैं एम, इसमें एम वक्त, एम वक्त ठीक समय पर,
एन माता अलि कम कम समझ कमजोर खुशबू या खुश दिल खुशखबरी खुश नसीब खुश किस्मत ये सारे के सारे उर्दू से संबंधित अरबी से संबंधित फारसी से संबंधित उपसर्ग कहे जाते हैं। इसमें सारे के सारे उपसर्ग इसी ही प्रकार के हैं। शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग जो है एक से अधिक उपसर्ग आते हैं, उसमें एक उपसर्ग नहीं अन्य एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से, जैसे उपसर्ग व्याकरण शब्द है, इसमें हमें वी आर वी आर वी आकरण व्याकरण ये हमारा हुआ वी आकरण व्याकरण। इसी प्रकार से पर्यावरण परि आ परि आ वरण परि आवरण पर्यावरण पर्यावरण। इसी प्रकार से आगे सुसंगठित सुसंगठित निर्भिमानी समाचार शब्द हैं और भी हैं, एक नहीं अनेकों हैं, जिसमें वी आ करण व्याकरण ए प्रति अक्षर अप्रत्यक्ष सम आलोचना समालोचना परि आवरण पर्यावरण प्रति उपकार प्रत्युपकार सुसंगठित सुसंगठित ए सुरक्षित असुरक्षित निर अभिमानी निर्भिमानी सम आ चार समाचार प्रति आ लोचना प्रत्यालोचना। इस प्रकार से ये अनेकों इस प्रकार के
उदाहरण आपको दिए गए। इसमें हमें विशेष रूप से इनका ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ हमारा उपसर्ग। उपसर्ग प्रत्यय के विषय में हम आपको अच्छी तरह से विस्तार से कल बताएंगे। आज केवल इतना ही।